वेलकम दोस्तों, बीम ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेविट के अंदर कर्व्ड कर्टेन वॉल किस तरह से क्रिएट करी जाती है। वो कर्व्ड कर्टेन वॉल जो है वो सेगमेंटेड कर्व ना होकर एक स्मूथ कर्व होना चाहिए। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं, एक स्मूथ कर्टेन वॉल है, स्मूथ कर्व्ड, और लेफ्ट हैंड वाला जो है वो सेगमेंटेड है, एज यूजल जो रेविट के अंदर होता है। बेसिकली इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का, एक सेशन करने का आइडिया मुझको जस्ट प्रीवियस जो आपकी किसी की क्वेरी आई थी उसी से इवॉल्व हुआ, जिसमें किसी ने क्वेश्चन किया था कि कर्व्ड कर्टेन वॉल के मूल्यंस को किस तरह से डील करना है। तो इसीलिए मेरे लिए भी बहुत अच्छा है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आप क्वेरीज भेजते रहें, जिससे हम ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स पे आपको टॉपिक्स पर वीडियोस बना के दे पाएँ। अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक कर्टन वॉल ड्रॉ करनी है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल ऑफ क्रिएटिंग अ कर्टन वॉल वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने सिर्फ एक कर्टन वॉल कमांड लेकर उसको आर्क लेकर बनाया, लेकिन आप कभी भी आप करके देखिएगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट ही आता है। रेविट एज यूजुअल डायरेक्ट मेथड दे रेविट में कोई नहीं है कि आपको कर्व बना के दे दे, लेकिन इनडायरेक्टली जब आप कर्टन पैनल में आप जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ड्रॉप डाउन में जाके देखिए, जितनी टाइप की भी वॉल्स हैं बेसिकली वो सारी वॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनमें से किसी भी वॉल को आपने एज ए पैनल सेलेक्ट कर लिया तो आपका कर्व स्मूथ हो जाएगा। अब आप देखिए, ये हमने 8 इंच की वॉल सेलेक्ट कर ली एज ए पैनल, लेकिन इसके अंदर आप कर्टन ग्रिड लगा पा रहे हैं जो कि कर्टन वॉल के अंदर लगती है, कर्टन वॉल का पार्ट है। आप इसमें वर्टिकल कर्टन ग्रिड, हॉरिजॉन्टल कर्टन ग्रिड, इवन उसके ऊपर आप मुलियंस भी प्लेस कर पाएंगे, सब कुछ वैसे ही काम करेगा। सिर्फ हमने पैनल को रिप्लेस किया है एक वॉल से, वॉल भी एक सिस्टम फैमिली है। तो अब आप इस पर मुलियन प्लेस करेंगे तो देखिए, देखिए मुलियन बेसिकली अभी भी उसी कंडीशन पे है कि सेगमेंटेड, बीच में हमने एक ग्रिड इंट्रोड्यूस करी है, उसकी वजह से एक उसने सेगमेंट क्रिएट कर दिया, जैसे कर्टन वॉल नॉर्मली बनती है। मैं जितने भी बीच में इंट्रोड्यूस कर दूंगा ग्रिड, उतने सेगमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे इस आर्क के। तो अब हम इसको कैसे ओवरकम करें, हम कर्टन वॉल अगर बिल्कुल स्मूथ बनाना चाहते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ, जिसमें मैंने कुछ भी सेटिंग नहीं करके रखी हुई होगी, सब कुछ फ्रेश करेंगे और ये सारा का सारा हम आपके सामने डेमोंस्ट्रेट करेंगे। मैं वॉल कमांड लेता हूँ, मैंने कोई सी भी एक वॉल ड्रॉ कर ली है, बेसिक वॉल है मेरी जेनरिक 8 इंच वॉल, आप कोई सी भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसको मैं डुप्लीकेट करने जा रहा हूँ और मैंने उसको नाम दिया ग्लास, ग्लास विद मुलियन एट बॉटम। आप सारे स्टेप को बहुत ध्यान से दीजिए, देखिएगा मैंने इसका स्ट्रक्चर को एडिट करके इसकी थिकनेस में 0.25 का फिनिश डाल दिया और मटेरियल में मैंने ग्लास डाल दिया, कोई सा भी ग्लास का मेरे पास मटेरियल हो सकता है, मैं उसको डाल सकता हूँ। प्रीव्यू में हम जाकर देखेंगे इसमें, अभी उसको स्वीप ऐड करना है बेसिकली हमको मुलियन को एज ए स्वीप, लेकिन उसके लिए हमारे पास स्वीप का एक प्रोफाइल होना चाहिए, तो मैं एक प्रोफाइल भी ड्रॉ करूँगा अभी आपके सामने। ये मेरी वॉल तैयार होगी जो मैंने डुप्लीकेट करी है। अब हम एक न्यू फैमिली क्रिएट करते हैं फॉर प्रोफाइल, हमने प्रोफाइल की फैमिली क्रिएट करी और वो जो हम टिपिकल मुलियन यूज़ करते हैं 2.5 इंच बाई 5 इंच वाला, तो हम उसी साइज़ का बना लेते हैं, डिफ़ॉल्ट में हमारा वही मुलियन लगा रहता है, बाद में हम किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, जिस जस्ट फॉर ए रेफरेंस मैंने 2.5 इंच बाई 5 इंच का एक मुलियन के लिए रेक्टेंगल तैयार किया जो कि एक प्रोफाइल है, और इसको एक इंटरसेक्शन पे सेंटर पे रख दिया बोथ साइड एक्स एंड वाई, और इसको कोई एक नाम से हम सेव कर देते हैं, दिस विल बी मिलियन 2.5 बाई 5 मिलियन, दैट्स इट। और हम इसको लोड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट 3 आई गेस, यस द लेटेस्ट वन मैंने लोड किया है। अब मैं फिर से उस वॉल की प्रॉपर्टीज़ को एडिट करके उसके टाइप में जाऊंगा, उसके स्ट्रक्चर को एडिट करेंगे और
स्वीप ऐड करने के लिए जैसे हम करते हैं ऐड, वहाँ हमने डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल की जगह अपना ये न्यू प्रोफाइल जो अभी हमने लोड किया वो लगा दिया, और साथ ही साथ मटेरियल भी उस पर असाइन कर दिया। मुलियन हम एल्युमिनियम का ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट हमारे मुलियन जो हैं सारे ज़्यादातर एल्युमिनियम में ही रहते हैं, तो हमने एल्युमिनियम का ले लिया। डिस्टेंस, साइड, सब कुछ जीरो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, और हमको ये बेस से लगाना है। हमने एट बॉटम वॉल का नाम दिया था मुलियन एट बॉटम, ये सेंटर पे आ गया, परफेक्ट। अब हमको क्या करना है इसके साथ, एक इसको मैं वॉल को कॉपी कर लेता हूँ, क्रिएट सिमिलर करके मैंने दोबारा ड्रॉ कर ली एक वॉल, और अब इसको फर्दर मैं एक बार और डुप्लीकेट करूँगा क्योंकि मुझे एक और टाइप का वॉल चाहिए है, तो उसका नाम हो जाएगा ग्लास विद मुलियन एट टॉप एंड बॉटम। ये तैयार हो गई है, और इसमें मैं क्या करूँगा, टॉप एंड बॉटम है तो मुझे टॉप में और ऐड कर देना है एक मुलियन बस। प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट की जगह मैं अपना वाला यूज़ करूँगा, मटेरियल सेम एल्युमिनियम यूज़ करूँगा, और यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस होगा जो उसकी पोजीशन है, उसमें फ्रॉम बेस की जगह हम टॉप कर देंगे, एक बेस पे एक टॉप पे, परफेक्ट। हमने देखा टॉप और बेस दोनों पे आ गया, हमारा आधा काम हो चुका है। अब हम चलते हैं वॉल कमांड लेकर, हमने कोई भी कर्टन वॉल ड्रॉ करनी है वैसे ही एक आर्क शेप में जैसे हम बनाना चाहते हैं, कोई भी आर्क लिया और उसको बना दिया, ये एज़ यूजुअल सीधा ही बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस वॉल को पहले तो डुप्लीकेट कर लेते हैं क्योंकि कर्टन वॉल वन के नाम से जो फैमिली बनी हुई है उस पर हो सकता है कुछ और वॉल भी प्रोजेक्ट में यूज़ हो रखी होंगी, तो वो सारी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने इसको कर्व्ड के नाम से अंडरस्कोर कर्व्ड, और यहाँ मैं कर्टन पैनल को ड्रॉप डाउन में देखूंगा, जितनी भी सारी वॉल हैं वो सब दिखती हैं जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। यहाँ मैं कर्टन विद मुलियन एट बॉटम वाला चूज़ कर लेता हूँ, ग्लास विद मुलियन एट बॉटम। तो आपने देखा पूरी की पूरी जो वॉल थी वो एक ग्लास में कन्वर्ट होके स्मूथ कर्व हो गया, और उसके बॉटम पे आपको एक मुलियन मिल रहा है। अब देखिए हम कर्टन ग्रिड जैसे जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल पैनल अब ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो एक वॉल होगी, जैसे हमने वॉल लगाई थी उसके बॉटम पे आपको आ गया, लेकिन अब यहाँ पर टॉप हमारा ओपन है अभी, ठीक है। टॉप पर हम जैसे अगर कोई मुलियन लगाना जाएंगे मुलियन कमांड लेके, तो वहाँ पर वही दिक्कत होती है कि वो स्ट्रेट बनाता है, देखिए आप ऊपर स्ट्रेट दिख रहा है, मैं इसको ऑर्बिट करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए स्ट्रेट बन गया, और जैसे ही अगर हम बीच में कोई वर्टिकल ग्रिड्स इंट्रोड्यूस करते जाएंगे और ये मोल्ड होता चला जाएगा, सेगमेंट्स क्रिएट होते चले जाएंगे अलॉन्ग दी कर्वेचर। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट सबको समझ में आता ही है, हम इस तरह से वर्टिकल मुलियंस भी इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस विल बिहेव लाइक, दिस विल एक्ट लाइक एज अ फुल फ्लेज हमारी कर्टन वॉल जो होती है, कोई वो नहीं है, सिर्फ हमने एक इनडायरेक्ट तरीका रेविट के अंदर है, उसको डायरेक्ट तरीका नहीं कहेंगे, इनडायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीके में कभी भी आप कर्व्ड वॉल बनाएंगे तो वो सेगमेंटेड ही बनेगी। अब ये देखिए ये इस तरह से डिजायर्ड रिजल्ट आप देखना नहीं चाहेंगे, अगर आपने जो मुलियन लगाया टॉप पे वो सेगमेंटेड है और आपका पूरा ग्लास और नीचे के सारे मुलियंस वगैरह पूरा फ्रेमवर्क स्मूथ कर्व है, तो आप ये इस मुलियन को पसंद ही नहीं करेंगे, मतलब यू विल नॉट प्रिफर टू गो विद दिस काइंड ऑफ मुलियन सेटिंग। अब मैं ये सारे मुलियंस को डिलीट कर देता हूँ, कर्टन वॉल मुलियन 6 मुलियन सिलेक्टेड एंड डिलीटेड, कोई मुलियन नहीं है, मैं तो इंटरमीडिएट भी जितने भी हमने लगाए हैं हम उन सबको रिमूव कर देते हैं, पूरा का पूरा एक कर्वेचर रहेगा बस। यू कैन हैव एज मिनिमम एज वर्टिकल मुलियंस। अब यहां पर देखिए हमने क्या करना है, टॉप वाले पैनल को टैब करके सेलेक्ट करके अनपिन किया है और ड्रॉप डाउन में जाके उसको रिप्लेस कर दिया टॉप एंड बॉटम से, वेरी सिंपल। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने टैब करना है टॉप वाले पैनल के ऊपर,
एक बार में करके दिखा देते हैं। देखिए टॉप पैनल को हमने एक बार में पूरा सेलेक्ट किया और ड्रॉप डाउन में जाके वहाँ पहले अनपिन कर लिया और यहाँ टॉप एंड बॉटम लगा दिया। तो अब इस पर्टिकुलर पैनल को टॉप और बॉटम दोनों पे मूलियन है, बाकी सब में बॉटम पे है। तो नाउ दिस इज़ परफेक्ट। वर्टिकल मूलियन सब आप बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम अपनी कर्टन वॉल को स्मूथ कर्व में तैयार कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कर्टन वॉल लें कर्व जिसमें हमने पैनल ऑलरेडी बता रखा है, हमारा पैनल जो होगा ग्लास विद मुलियन एट बॉटम, तो देखिए पूरा स्मूथ कर्व के साथ हमारी कर्टन पैनल तैयार हो रहा है। हम जैसा भी कर्वेचर दे दें वो बिल्कुल एज इट इज़ ड्रॉ होगा, वैसा नहीं जैसे लीनियर हम लोग नॉर्मली बनाते हैं। हम एक एग्जाम्पल के साथ स्टोर फ्रंट लेके देख लेते हैं। जैसे हमने ये स्टोर फ्रंट बनाया और ये सेगमेंटेड है, आपको दिख रहा है स्टोर फ्रंट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसमें सारे मिलियंस ऑलरेडी सब टॉप बॉटम सब लगे हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्मूथनेस दिखाना चाहूँगा। मैंने इनमें से किसी एक स्टोर फ्रंट को सेलेक्ट किया और उसको डुप्लीकेट करके पहले तो मैं कर्व्ड करूँगा उसको रीनेम करूँगा, उसको डुप्लीकेट करेंगे तो जिससे कि ऑलरेडी स्टोर फ्रंट कहीं और बने होंगे प्रोजेक्ट के अंदर तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। मैंने अंडरस्कोर कर्व्ड के नाम से कर लिया। अब यहाँ पर मैं पहला काम तो ये कर रहा हूँ, थोड़ा इसकी स्मूथनेस दिखाने के लिए मैं पहले टॉप बॉटम हॉरिजॉन्टल मुलियंस में सारे रिमूव करने ही हैं हाउएवर, क्योंकि उसमें तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट वॉल की प्रॉपर्टी से पैनल से ही ले लिए हैं सारे मुलियंस। तो ये मैंने नन कर दिए हॉरिजॉन्टल मुलियंस, और वर्टिकल मुलियन में भी मैं सारे नन कर लेता हूँ। अभी मैंने सिर्फ इंटीरियर टाइप को किया है। जस्ट टू सी डिलीट मुलियंस, ओके सारे डिलीट कर दिए। अभी बीच में ये भी ऐसी रैंडमली मैंने बनाया था, तो बीच में भी बहुत पास पास जो मिलियंस आ रहे हैं उनको मैं वर्टिकल मिलियंस को भी डिलीट कर देता हूँ। फिर लेटर ऑन आप अपनी सेटिंग जैसे जैसे आपको जहाँ लगाना है मिलियंस आप प्लेस कर सकते हैं अपना डिवीजन। बट मैंने इसको भी नन किया, दोनों को नन किया। नाउ यू विल सी द कर्टन वॉल विदाउट अ मिलियन, दिस इज एक्सटीरियर ग्लेजिंग। अब मैं इसको स्टोर फ्रंट को पकड़ा और इसमें सिर्फ वही पैनल हमको चेंज करना है जैसे हमने प्रीवियसली किया था एग्जाम्पल में। यहाँ पर हम लगाएंगे ग्लास विद मुलियन एट बॉटम, अप्लाई, आपने देखा ये पूरा तैयार हो गया। इसमें भी वही काम हमको करना होगा, टॉप पैनल को हम जाके टैब करके हाईलाइट करेंगे। पहले टैब की प्रेस करके हाईलाइट किया, अनपिन किया, इसके बाद में एडजॉइनिंग एक और भी पैनल, दो तीन पैनल को ले लेते हैं। सिमिलर प्रोसेस विल बी रिपीटेड फॉर द एंटायर कर्टन वॉल, से लेंथी प्रोसेस। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम रिपीटेड जितने भी एफर्ट्स होते हैं उनको हम स्किप कर देते हैं वीडियो में से, जिससे वीडियो का साइज़ कम से कम हो सके। तो मैं अभी सिर्फ तीन एग्जाम्पल करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसको रिप्लेस करना है टॉप एंड बॉटम से। तो टॉप जो हमारा पैनल होगा उसके अंदर दोनों मुलियंस होंगे, टॉप टॉप और बॉटम, बाकी सारे सिर्फ बॉटम। इनकी अरेंजमेंट मैंने रैंडम करी है, बहुत ज़्यादा हाइट में भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो BIM ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहे। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।